हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप दोस्तों। क्लास शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि यदि आपने एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ फायर सेफ्टी के यूट्यूब चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर ले, ताकि फायर सेफ्टी से संबंधित जानकारी आप तक पहुंचती रहे। हेलो फ्रेंड्स, आज का क्लास है डैमेज कंट्रोल। डैमेज इस टॉपिक के बारे में हम लोग बात करेंगे। डैमेज कंट्रोल के बारे में, डैमेज कंट्रोल का मतलब होता है क्षति नियंत्रण को ही टोटल लॉस कंट्रोल कहा जाता है। हम इसको लिख भी सकते हैं डैमेज कंट्रोल एंड टोटल लॉस कंट्रोल। इसे डैमेज कंट्रोल एंड टोटल लॉस कंट्रोल भी कहा जा सकता है। तो ये क्या है इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। 1996 में मिस्टर हैंगबर्ड ने टोटल लॉस कंट्रोल तथा डैमेज कंट्रोल के ऊपर में अपनी पहली संकल्पना रखी थी, जिसमें उन्होंने इस टॉपिक के माध्यम से उन्होंने बताया था कि हम लोग टोटल या डैमेज कंट्रोल करते हैं, किसी क्षति को नियंत्रित करते हैं या पूरे नुकसान होने से नियंत्रित करते हैं, तो हमें क्या क्या फायदे मिलेंगे और उससे क्या हम आगे की ग्रोथ कर पाएंगे, इसके बारे में उन्होंने क्या की थी पहली संकल्पना रखी। इनके सिद्धांत के अनुसार ये सिद्धांत है कि ये कहते हैं कि हम लोग कैसे नियंत्रित कर सकते हैं होने वाले क्षति को, होने वाले नुकसान को। तो इनका पहला जो सिद्धांत वो है कि सबसे पहले क्या करना चाहिए कि प्लांट में, कारखानों के अंदर में हुई घटी दुर्घटना एक्सीडेंट के ऊपर क्या होना, जांच पड़ताल करने की हमेशा कोशिश होना। एक्सीडेंट की जांच पड़ताल करते दौरान उन एक्सीडेंट के मूल कारणों का पता लगाना कि कैसे हुआ, क्या हुआ, जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं डैमेज कंट्रोल और लॉस कंट्रोल की नींव रख सकते हैं। जब तक के हम उस एक्सीडेंट के मूल कारणों का पता नहीं लगाएंगे, वजह का पता नहीं लगाएंगे, तब तक के हम लोग इसके ऊपर से किसी भी प्रकार की संकल्पना नहीं कर सकते। इसलिए क्या होना चाहिए, सबसे पहले एक्सीडेंट्स जो घटे हैं उनकी क्या होना चाहिए, जांच पड़ताल होनी चाहिए। जांच पड़ताल करने के बाद उनके मूल कारणों का पता लगाना चाहिए। तो मूल कारणों का पता लगा, जब हम लगा लेंगे एक्सीडेंट की जांच पड़ताल करके मूल कारण पता हो जाएंगे, तब उसके हम लोग क्या कर सकते हैं रिमेडियल मेजर्स निकाल सकते हैं, मतलब उसके उपाय उपचार निकाल सकते हैं कि उस एक्सीडेंट को कैसे रोका जाए, उसके ऊपर में क्या हम लोग कर सकते थे तो एक्सीडेंट नहीं हो सकता था। इस प्रकार की हम लोग कोशिश जारी रख सकते हैं काय के माध्यम से जब हम जांच पड़ताल करें। जैसे उदाहरण में एक उदाहरण देखिए, मैं आपको समझाऊंगा कि हाइट से व्यक्ति गिरा है, मतलब आप हाइट से व्यक्ति गिरने के बाद हाइडल हो गया है। अब वो व्यक्ति हाइट से गिरा मतलब एक मुद्दा बन गया, लेकिन वो मुद्दा कैसे हुआ उसके बारे में पता नहीं। एग्जांपल में हाइट में जब चढ़ा व्यक्ति तो उसने बेल्ट पहना नहीं पहना, बेल्ट पहना तो एंकरिंग किया नहीं किया। अब उसने बेल्ट भी पहना था, एंकरिंग भी करा था, फिर भी वो गिरा। उस वैसे ही पता लगाने के इसको बोलते हैं मूल कारणों का पता लगाना कि वो व्यक्ति ने बेल्ट पहना था, एंकरिंग किया था, फिर भी गिर गया। हम नेक्स्ट ऑप्शन की ओर बढ़ेंगे कि वो बेल्ट लगाने के बावजूद, एंकरिंग करने के बावजूद कैसे गिरा। तो उसमें हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। हो सकता है लाइफ लाइन टूटा होगा, अब लाइफ लाइन भी सही सलामत था तो क्या हुआ, फिर हो सकता है प्लेटफॉर्म टूटा। ऐसे हम लोग क्या कर सकते हैं, एक एक स्टेप से हम लोग उसका वजह का पता लगाते हैं कि आखिरी में हमको पता हो जाएगा कि नहीं प्लेटफॉर्म टूटने से क्या हुआ था, और प्लेटफॉर्म टूटने से या जो उसकी लाइफ लाइन थी वो सही नहीं बनी थी, इसलिए वो लाइफ लाइन के साथ प्लेटफॉर्म के साथ नीचे आ गया। तो हम लोग ने पता कर लिया आखिर पे जाके कि वो क्या हुआ, लाइफ लाइन विफल होने से, प्लेटफॉर्म टूटने की वजह से नीचे आ, हमको पता लग गया आखिरी में। तो हम लोग क्या करेंगे, अगला जो कोशिश रहेगा कि जो भी व्यक्ति जा रहा है उसका प्लेटफॉर्म मजबूत हो, अच्छी तरह बना हो, लाइफ लाइन उसकी सिक्योर मजबूत हो, ऐसी हम लोग क्या करेंगे हमेशा ध्यान रखेंगे। तो पॉसिबल कब हुआ, जब हमने एक्सीडेंट्स की जांच पड़ताल,
तो एक्सीडेंट जांच पड़ताल करके हमने क्या किया कि नया रेक्टिफिकेशन किया, आधुनिकता लाई वहां पे, कुछ बदलाव किया जिससे हमारी जो एक्सीडेंट रोकने की जो कार्यक्रम है या एक्सीडेंट रोकने के जो प्रोग्राम है वो स्ट्रांग बने, जिससे कि हमारा होने वाला आगे का नुकसान नहीं होता। तो ऐसे ही कार्यक्रम में विभिन्न प्रकार के एक्सीडेंट्स होते हैं, दुर्घटनाएं होती है, उनमें हम लोग अगर समय समय पे एक एक्सीडेंट हो जाती है उसकी जांच पड़ताल करें, जांच पड़ताल करके उसमें सुधारक उपाय अपनाए आगे के कार्यों के लिए, तो वहां पे क्या किया जा सकता है, आसानी से डैमेज को कंट्रोल होने, डैमेज होने से उसको कंट्रोल कर सकते हैं, पूरा जो नुकसान हो रहा है उसको हम लोग नियंत्रित कर सकते हैं। तो हमको क्या करना होगा, जांच पड़ताल करना होगा, जांच पड़ताल करके उसमें क्या करना होगा कि हमको आगे के भविष्य के लिए जो कार्य चलाए जा रहे हैं उसमें किसी प्रकार की गलती ना हो इसकी कोशिश करना होगा। तो ये जो अध्ययन है डैमेज कंट्रोल वाला, ये हम लोग ऑडिट के माध्यम से पूरा कर सकते हैं, इंस्पेक्शन के माध्यम से पूरा कर सकते हैं, सर्वे के माध्यम से पूरा कर सकते हैं, और पूरा करने के बाद ही हम लोग इस पे नियंत्रित करने की कोशिश कर सकते हैं, नियंत्रित कर सकते हैं। तो ये जो अध्ययन है डैमेज कंट्रोल वाला या लॉस कंट्रोल वाला, ये एक हमारे कंपनी के उत्पादन को भी बढ़ावा देता है तथा हमारे सुरक्षा के स्तर को भी बढ़ावा देता है। अब कंपनी का जो लॉस हो रहा है या कंपनी में जो क्षति हो रही है उसका मतलब क्या हो रहा है, कंपनी को घाटा हो रहा है, तो कारखाने को घाटा हो रहा है। तो ऐसे घाटों को हमको रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमेशा ट्राई या कोशिश करनी होगी, कोशिश के माध्यम से हमको सुधार लाना होगा कि आज जो घटा है वो कल ना घटे, या ये जो घटना घटी है एक्सीडेंट हुआ है उसकी पुनरावृत्ति नहीं हो, ऐसी कोशिश करनी हो। वो कोशिश कब कर सकते हैं, जब हम एक्सीडेंट के वजह का पता लगाए, एक्सीडेंट के कारणों का पता लगाए, तब हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको अच्छी तरह से रोक सकते हैं। तो इसका मतलब हम लोग उसमें डैमेज या क्षति होने से रोक सकते हैं या नुकसान होने से आसानी से रोक सकते हैं। इस टॉपिक में हमने देखा कि हम लोग कंट्रोल क्या है, डैमेज कंट्रोल क्या है, लॉस कंट्रोल क्या है। अगले क्लास में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर में चर्चा करेंगे। थैंक यू। और आगे ऐसा ही एक फायर सेफ्टी से संबंधित टॉपिक लेकर फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय सुरक्षा।